Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ईद गुजर गई, जानवर ज़िबा हो गए, कटा कटिंग हो गया। ईद के बाद सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है बारबेक्यू का। बारबेक्यू, कढ़ाई शराई और ये दम पुख्त वगैरह वगैरह, चारी गोश्त, ये सब। और हमारा आज का जो प्लान है वो है बारबेक्यू का। नीचे बशिंदे बैठे हुए हैं, कटिंग शुरू हो चुकी है, आज हम बारबेक्यू करें और मैं आपको बारबेक्यू बनाने का तरीका दिखाऊं। चलते हैं आप नीचे की तरफ। ये लड़के वगैरह बैठ गए हुए हैं, ठीक है, और बारबेक्यू के लिए उन्होंने टिक्के शिक्के रेडी कर दिए हैं। अब साथ में कबाब भी बनाने हैं जी भाई, वाह थैंक यू। तो कबाब बनाने हैं, और कबाब के लिए अब ये सोच रहे हैं कि कीमा बाहर से करवाएं या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि खुद ही करना चाह रहे हैं। इधर तो ये बहुत ही मेहनत कर रहा है ये वाला। ये कुछ गोश्त ज़्यादा तो नहीं ले लिया जाए तुमने? मैं तो कह रहा हूँ तकल्लुफ ही किया तुमने तो। अच्छा तो मसाला वगैरह किधर है? मसाला वगैरह लगाओ ना, अभी लेके आना मसाला वगैरह लेके आना। और क्या क्या लेके आना, क्या क्या लेके आ चुके और क्या क्या लाना है? अभी सिर्फ टिक्का मसाला आ गया, बल्कि ने सब कुछ हम पे छोड़ दिया। अच्छा तो आप अल्लाह पे छोड़ दो। फिर हमें साफ करना है, फिर हमने उबालना है, फिर हमने मसाला लगाना है। अच्छा और हमने ऐड होनी है। तो करा तो करना किस टाइम है? चलो जी, शक नमाज के बाद आप ये सब जब रेडी होगा, मसाला वगैरह लेंगे तो फिर वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सीखे वगैरह आ गई हुई हैं, ये मुझसे मेरा दोस्त ले गया था और तकरीबन कोई 3 माह बाद ये सीखों ने अपनी शक्ल दिखाई है। और देखिए आप कितना जंग जंग है। अभी इसे साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे। सीखे वगैरह साफ़ कर लिए हैं और अभी मैं छत पे मैंने ज़रा तार वार लगा दिया, लाइट वगैरह ओके कर दिया है। वो बना रहे हैं अंगीठी, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़रूर इजाद की माँ है, इजाज़ की नहीं इजाद की। तो अभी अंगीठी बना रहे हैं, फिर शुरू करेंगे। अभी शुरू करें तकरीबन 10 बजे करीब। अंगीठी देखिए, अरे गरीबो एक चंगी जी अंगीठी ले आनी सी भाई। कुछ जुगाड़ का दौर है और जुगाड़ लगाने में पठान माहिर है, आपको पता है। पठान जो है जुगाड़ में माहिर है। ये सामने वाला किधर से पठान लगता है? सोए हुए थे बच्चे ना, ये काला पठान। पश्तो आती है तुम्हें? हैं? पश्तो आती है? तो शर्मा की रहे, इसका मतलब नहीं आती। मार दिया अंजना ने भी। आ गया जी, अभी इनकी अंगीठी तैयार हो रही है। तो जब तक वो करते हैं अंगीठी को रेडी, तब तक मैं करता हूँ अपनी कमर को सीधी। अभी वो जा रहे हैं कहीं से पेट्रोल चुराएंगे, फिर आएंगे कोयले वोयले किसी से मांग के लेके आ गए हैं। और अभी हाँ, तो इसकी बात भी सुन लो, जरा इसी पे अमल करो। बेचारे बड़ी मेहनत करता है। ये गरीबों ने आग जलाने का काम कर दिया है। उधर वो सामने टिक्के भी सीखों में लग रहे हैं। और ये एक गरीब मंगवाया हुआ हमने आग चलाने के लिए, उसे 200 रुपया देना। इसे 200 रुपया देना है, बाकी 200 रुपया लेने। नहीं ये मैं ऐसे आया, अल्लाह की रजा से कर दा पे। 200 रुपया दो अनिल जी में 500 रुपये। 200 कौन दे रहा है जो खुद मांगता रहता है? मांगने वाला भी 200 दे रहा है। आपके खड़ा भाई ये दे रहा है, तुम दे रहे हो भाई 500 रुपये दे भी नहीं है। हमारा जो सर सेठ साहब है उसने देने। अच्छा, हमारे ना दो बंदे जो ना लोटे हो गए हैं, हमारे साथ प्रोग्राम किया था सेट उन्होंने, और अभी ये साथ वाले घर में प्रोग्राम चल रहे हैं, म्यूजिक आ भी रहा आपको, वहाँ पे चले गए हैं। तो अभी ये दूसरा भतीजा मेरा, एक मेरा कज़न है, दूसरा मेरा जो है ना भतीजा है, और बांचा भी रहता है, कज़न मैरिज है, और उसका छोटा भाई है। इधर आए, ये कह रहा है कि हम गप्पे ऊंची ऊंची गप्पे मारते हैं, वो सुनेंगे चलेंगे। चल आप गप्पे शुरू हो जा जल्दी। यार यार गुज्जी क्या कहते हैं वो 5 कढ़ाई बन रही है ना, 20 टिक्के भी इतने कम टिक्के, 20 टिक्के जा उसे 20 टिक्के ले आता है। गप्पे फुल रूज पे जा रही हैं, बस 20 ही के तेरा दिमाग सही है? नहीं 30 बना रहे। 27 तो खाली मैं सीखे लेके आया हूँ। 20 किलो? अच्छा 20 किलो फिर ठीक है, ठीक है। इतने का तो बकरा नहीं था, बोंगी बड़ी हो गई है। नहीं ना वो कितने किलो कढ़ाई बन रही है? 10 किलो की कढ़ाई बन रही है। 20 किलो बोंगी 10 किलो में यार, यार नीचे से 5 किलो वो मसाला लगा। अच्छा वो बोतलों का जो डाला आया था वो किधर है? डाला है, डाले डाले आए थे। अच्छा बोल दिया।
इस तरफ से कई आवाजें आ रही है म्यूजिक की, वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। और भी मेरे दोस्त है रैंप के हैं, उन्होंने डीजे लगाए हुए हैं डीजे, और हम सादे बैठे हुए हैं सादे साथ। म्यूजिक अच्छा लगाया उन्होंने। और इधर हमारी बारबेक्यू जो ना फुल रूज पर है। ये हमारे भट साहब हैं, भट साहब तेरे देखो जरा चिट्टे भट साहब ला ये देखे। और ये देख सकते हैं मुझे जरा मजा सीखे बन गई। मैं भी चेक करता हूँ इसमें से, टेस्ट करता हूँ। और मैं फिर क्या हो गया तो क्या गया मजा दार। जी फिर वो पैसे हैं तेरे पास है तो यार नीचे इधर यार नीचे पक्के सही है। मसाला नहीं का नमक मिर्च काट गया ना। मसाला नहीं है ना, स्पाइसी है ना मिर्च मसाला सी ना है। थोड़ी ले आओ चलो जा दे। मसाला हले भी हेलो हाई कर रहे बीच पक्के सही है। और ये कढ़ाई का भी कोई सीन है क्या? कढ़ाई का भी सीन है, हले भी कर लो सऊद सामान ये ले जरा। बाकी मज़ेदार पक अच्छे गए हैं ये देखो, बिल्कुल अंदर तक मतलब गल गए हुए हैं। हमारा बारबेक्यू का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि जो टिक्के थे ना उसमें मसाला जो था ना बहुत कम डाला था, इन्होंने टाइम नहीं दिया था ताकि उसने अपने अंदर एग्जॉस्ट नहीं किया था। इसलिए हमने वो जो बारबेक्यू टिक्के विक्के जितने भी थे ना वो सारे पतीले में डाल के बस हम कढ़ाई बनाने वाले हैं। तो हमारे जो शेफ आ चुके हैं भट साहब, हम आपको उनसे मिलाते हैं। जरा हाथ वाथ साफ कर रहे हैं ठीक है, और उनको हाथ में मिर्ची लग रही है। और ये इस पतीले में सब कुछ डल चुके हैं, अभी हम आपको उसके दर्शन करवाएंगे। ये विक्टी का निशान भी आ रहा है, पता नहीं हमने कौन सा तीर मार दिया, देखते हैं साथ साथ ये वो बच्ची दी है हमारी। ओहो बट सानू बहुत अखा मिर्चा पै गई है जी। बस 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 बस। अरे यार हमारे जो बारबेक्यू का जो टिक्के चिक्के थे ना हमने पहले भी बॉयल किए हुए थे और अभी जो पक चुके हैं, लेकिन वो जो होते हैं ना पानी खुश कर रहे हैं अभी। और ये भाई ये तो हम कह रहे हैं पैसे के नान लेके हैं, ये चावल बना हुआ है सर के पूल। ये वाला थोड़ा ऊपर देखो, ये जॉर्डन सूरत दिखाओ, ये जॉर्डन वाली शर्ट पहनी है चावलों के महाराज ये है। इंटरनेशनल है, यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा वायरल। मैं कहां से पैसे लूं? रोज पॉकेट से जेब से जेब में चेक कर निकाल लिए। हां यार नीचे छुपा के आ गए। मैं लाजमी बड़ी जानबूझ के नहीं दे रहा, वो मेरे नहीं है। ये जब जब तक लाहौर नहीं था जो ठीक था, अब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया तो ये चावल हो गया। यार शायान तू मुछ नहीं कराती साड़ी, तेरी मुछ है कहां पे? ये देख इतनी बड़ी मुछ रखी है। ओ सल्लू भगवान को देखो। और ये मेरा कोरियन डड्डू है इधर। हेलो हेलो, इसका नाम है सरदार खान। हेलो का मूड सही नहीं है, भूख लगी है। चलो इसे चावल दो, चावलों के लिए इतने स्ट्रगल करा वो देखो। ये जी सारा तो हमारा रेडी, कढ़ाई जो हम कर रहे थे वो रेडी हो चुकी है, बस इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके लिए थोड़ा घी कम है अभी, लेकिन लड़के कह रहे हैं नहीं नहीं बनाओ बनाओ, बस वो सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कहते बस ऐसे ले गया, बोतलें शोतलें लाओ, भेजे लड़कों को नान वान लाने। अभी आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम हमला करेंगे ठीक है। खाना वाला प्लेट में डाल दिया हमने, और बट साहब ने माशाल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू कर भी दिया है। अरे सारे बच्चे खा रहे हैं जी, नहीं तो मेरा अभी मेरी भाई है, मैं पहला नहीं मार लूँगा। कैसा है सऊद? अच्छा बने मतलब? चलो भी लगता है नाना करते अच्छा बन ही गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे कोई बारबेक्यू अच्छी वाली। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।